आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने रविवार को जिला कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जन विश्वास यात्रा मऊ से होते हुए 21 दिसंबर को मुबारकपुर विधानसभा के गुजरपार मंडल के खैराबाद में शाम 4:30 पर पहुंचेगी, जहां पर मुबारकपुर विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता उसका स्वागत करेंगे। इसके बाद यात्रा मुबारकपुर रोडवेज पहुंचेगी। मुबारकपुर रोडवेज से सठियाओं इटौरा चक्रपानपुर सिंहपुर खरियानी में महनगर होते हुए लालगंज विधानसभा के लिए प्रस्थान कर जाएगी। इसके बाद यात्रा 22 दिसंबर को अतरौलिया से 5:00 तेरही कप्तानगंज महाराजगंज बिलेरियागंज होते हुए जुनेदगंज चौराहा भवरनाथ बवाली मोड़ नरौली होकर सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद यात्रा 23 दिसंबर को सर्किट हाउस से निकलकर बेलेसा छतवारा हाइडिल चौराहा शारदा चौराहा चट चौराहा दीनदयाल चौराहा विश्राम राय मूर्ति त्रिमूर्ति गांधी मूर्ति अम्बेडकर मूर्ति और अगरसेन चौराहा होते हुए चौक के लिए निकलेगी। पुरानी कोतवाली तकिया होते हुए हाफिजपुर पहुंचेगी। वहां से बनकर जियनपुर लाट घाट होते हुए दौरी घाट के लिए प्रस्थान कर जाएगी। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने गरीब महिलाओं युवाओं किसानों के उत्थान के लिए कार्य किया है। हमारी सरकार ने जरूरतमंदों को आवास शौचालय महीने में 2 मुफ्त अनाज सबको मुफ्त कोरोना टीका गैस सिलेंडर व चूल्हा आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किसानों को 6,000 वार्षिक सम्मान निधि देने का कार्य किया है। प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जनता को समर्पित किया जा चुका है। अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। जनता का विश्वास भाजपा सरकार में बढ़ा है। सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक बिना भेदभाव के पहुंचा है। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जन जन में नई चेतना भरने का काम किया जाएगा। यह यात्रा जनता के विश्वास को हासिल करने के लिए है। इस यात्रा में सामाजिक संगठनों धर्माचार्यों अधिवक्ता बंधुओं व्यापारी बंधुओं सहित सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। साथ ही जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने आजमगढ़ की जनता से अपील किया कि इस जन विश्वास यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अवसर पर जिला यात्रा प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव और सह यात्रा प्रभारी राजेश सिंह मौघारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवा। आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो दम है जो जनता का विश्वास जीतने के लिए, जनता में अपनी बात रखने के लिए, जो उन्होंने किया है, जो करके दिखाया है 7 सालों में 5 सालों में, उसको जनता के बीच में रखने के लिए जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आज बलिया में उसका गोरखपुर क्षेत्र का उद्घाटन हुआ है, गाजीपुर में उद्घाटन हुआ है, झांसी में उद्घाटन हुआ है, सभी 6 क्षेत्रों में उद्घाटन हुआ है। कल मऊ में जनसभा होगी। इसके बाद में परसों 21 तारीख को 3:00 मुबारकपुर विधानसभा में हम सब उस यात्रा को आजमगढ़ के लोग रिसीव करेंगे, यात्रा को प्राप्त करेंगे। दोडवेट पे एक जनसभा होगी, फिर वो सठियाँ होते हुए जानागंज होते हुए और चिकनपानपुर होते हुए खजाने में एक जनसभा होगी। इसके बाद यात्रा मेनगढ़ होते हुए लालगंज को चली जाएगी। फिर 22 तारीख को 3:00 हम सब यात्रा को गोपालपुर विधानसभा के बॉर्डर पर रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे और उसके बाद गोपालपुर विधानसभा महाराजगंज बिलरियागंज में एक जनसभा होने के बाद फिर आजमगढ़ के जुनेदगंज में यात्रा को रिसीव करेंगे। फिर यात्रा हमारी सर्किट हाउस में विश्राम करेगी। फिर 23 तारीख को हम सब सदर विधानसभा में बिलेसा छतवारा होते हुए सिधारी होते हुए सभी मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हुए जो मूर्तियाँ पड़ेगी बीच बीच में यात्रा के बीच में, और उसके बाद में फिर हमारा चौक पर 23 तारीख को एक विशाल रोड शो होने वाला है जो चौक से तकिया पहाड़ पर तुक होगा। और आजमगढ़ की जनता ने भी इस बात साथियों ठान लिया है कि आजमगढ़ में जो भ्रष्टाचारी विधायक हमारे हैं सपा बसपा के, जो गुंडा माफिया राज यहाँ चलाते हैं, जो जनता को छलते हैं, विकास का नाम यहाँ पर उन विधायकों के रिज्यूम में 0 है। जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार इतना योजनाएं दे रही है, अपने आजमगढ़ में भी दिया है उन्होंने, पूर्वांचल विश्वविद्यालय पूर्वांचल राज्य विश्वविद्यालय उसके माध्यम से, और वो एक बड़ा नाम उसका दिया है राजा सुहेल देव के नाम पर, राजभर समाज का सम्मान किया है। अब आजमगढ़ के भी गांव गरीब किसान नौजवान छात्र मजदूर सब लोग ठान लिए हैं कि जो यह सरकार है बिना भ्रष्टाचार किए हुए सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचा रही है, इस जन विश्वास यात्रा में आजमगढ़ की लाखों लाख जनता उस दिन सड़क पर उतर कर
और यात्रा का अभिनंदन करने वाली है, स्वागत करने वाली है और आजमगढ़ के सभी विधानसभाओं पर कमल खिलाने वाली है। साथियों, यह संदेश आज मीडिया के माध्यम से हम आप सबको देना था। आप सब आए, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अधिक से अधिक सब लोग आजमगढ़ के जनपदवासी यात्रा में पहुंचे और हमारे नेताओं को सुने। केंद्र से नेता आ रहे हैं, प्रदेश से नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आएंगे, जनता के विश्वास को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।